हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो गेट 2023 एंड 24 के लिए पहला सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है वो है मेरा कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम फॉर गेट 2023 एंड 24 के लिए, ओके। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये भी मेरा नेटवर्क थ्योरी के जैसा कॉमन पेपर है और कॉमन सब्जेक्ट है फॉर EE, EC एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आप EE, EC और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों के तीनों ब्रांच में है तो आपके लिए कंट्रोल सिस्टम एक कॉमन पेपर है, ठीक है। तो तीनों ब्रांच के लिए ये कॉमन पेपर है मेरा कंट्रोल सिस्टम। तो जैसे हम नेटवर्क थ्योरी में बात कर रहे थे तो नेटवर्क थ्योरी के जैसा कंट्रोल सिस्टम भी उतना ही वेटेज लेके आता है क्या? हाँ, उतना ही वेटेज लेके आता है, ठीक है। तो अगर हम नेटवर्क थ्योरी में देख रहे थे तो तीनों ब्रांच के लिए नेटवर्क थ्योरी मेरा 10 से 12 मार्क लेके आता है वेटेज गेट के लिए। सेम यहाँ पे क्या होगा, फॉर कंट्रोल सिस्टम में बोलूँगा फॉर गेट के लिए ये मेरा कितना वेटेज है, 9 से लेके 12 मार्क, ओके। तो लगभग सेम वेटेज लेके आता है 9 से लेके 12 मार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेटेज फॉर गेट एग्जाम। उसके बाद देखेंगे इस सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए और पूरा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमको कितना आवर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सीरीज चलेगा कंट्रोल सिस्टम का, इस सीरीज हम कितने आवर में ख़त्म करेंगे, तो हम बोलेंगे इस सीरीज को ख़त्म करने के लिए हमको 60 आवर से लेके हमको यहाँ पे लगेगा 80 आवर। जो सीरीज चलेगा वो मेरा 60 आवर से लेके 80 आवर तक चलेगा, क्लियर। तो ये हो गया मेरा कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे जैसे सिमिलरली हम लोग नेटवर्क थ्योरी में ज़्यादा से ज़्यादा हम न्यूमेरिकल देख रहे थे, मैं बोल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्फासिस देंगे न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम पहले डिस्कशन करेंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल सिस्टम में भी हम लोग 70% जो है हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर डील करेंगे, और जो 30% है वो हम डील करेंगे थ्योरी के ऊपर और कॉन्सेप्ट। तो उसको हम और कॉन्सेप्ट, तो 30% मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे देखेंगे न्यूमेरिकल फॉर गेट, ओके। गेट के लिए यहाँ पे ज़्यादा 70% न्यूमेरिकल आता है और 30% मेरा उसके कॉन्सेप्ट आता है, क्लियर। तो ये हो गया मेरा कंट्रोल सिस्टम। तो उसके बाद चलेंगे देखते हैं इस कंट्रोल सिस्टम का गेट के लिए क्या सिलेबस है, तो उसको हम कितने मॉड्यूल में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अगर सिलेबस का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है मेरा कंट्रोल सिस्टम में, पहला जो सब्जेक्ट चैप्टर है मेरा, तो पहला चैप्टर है मेरा बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओके। तो नंबर वन बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में पहला सब चैप्टर है मेरा बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, उसको हम लोग मॉड्यूल 1 देंगे, ठीक है। दिस इज माई मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 में हम लोग पूरा बेसिक डिस्कशन करेंगे कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 के बाद सेकेंड में आएगा मेरा, दैट इज ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG, वो आएगा मेरा मॉड्यूल 2 में, ओके। तो दिस इज माय मॉड्यूल 1, ये हो गया मेरा मॉड्यूल 2, ओके। तो ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ ये क्या है, ट्रांसफर फंक्शन को डिराइव करने के लिए मेरे को ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ चाहिए, तो उसको हम देखेंगे मॉड्यूल 2 में, ओके। वो ख़त्म होने के बाद नंबर 3 में आएगा मेरा, दैट इज माई टाइम डोमेन एनालिसिस और टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस,
ओके, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस को हम लोग खत्म करेंगे मॉड्यूल 3 में, वो है मेरा मॉड्यूल 3। ओके, टाइम रेस्पॉन्स के बाद हम लोग का आएगा दैट इज माय स्टेबिलिटी स्टडी। ओके, तो ये स्टेबिलिटी स्टडी हम लोग खत्म करेंगे मॉड्यूल 3-4 में। तो मॉड्यूल 4 वहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी में हम लोग राउत हार्विच क्राइटेरिया देखेंगे और राउत हार्विच स्टेबिलिटी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे स्टेबिलिटी स्टडी में, क्लियर। तो नंबर 4 के बाद नंबर 5 क्या है मेरा, नंबर 5 है मेरा रूट लॉकस। तो इस चैप्टर का हम लोग ख़त्म करेंगे मॉड्यूल 5 में देखेंगे, ठीक है। तो रूट लॉकस के बाद आएगा मेरा नंबर 6, दैट इज माय फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, दिस इज माय फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस, वो आएगा मेरा मॉड्यूल 6 में। ओके, तो इसको हम बोलेंगे मॉड्यूल 6। दिस इज माय मॉड्यूल 6। ओके, तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस है मेरा मॉड्यूल 6। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस में हम लोग क्या क्या खत्म करेंगे, हम लोग खत्म करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस में दैट इज माय बोड़े प्लॉट। नंबर 2 इज माय पोलर प्लॉट। एंड नंबर 3 इज माय नाइक्विस्ट प्लॉट। ओके, तो बोड़े प्लॉट, पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉड्यूल 6 में, जो कि है हमारा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, उसके बाद आएगा नंबर 7। नंबर 7 क्या है मेरा, नंबर 7 है मेरा कंपेंसेटर एंड माय कंट्रोलर, दैट इज कंपेंसेटर एंड कंट्रोलर। तो इसको हम खत्म करेंगे मॉड्यूल 7 में। तो ये हो गया मेरा मॉड्यूल 7, क्लियर। उसके बाद आएगा मेरा स्टेट स्पेस एनालिसिस नंबर 8, दैट इज माय स्टेट स्पेस एनालिसिस। तो ये आएगा मेरा नंबर मॉड्यूल 8 में। ओके, दिस इज माय मॉड्यूल 8। ओके, तो उसके बाद नंबर 9 में क्या है मेरा, तो नंबर 9 में हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ हायर ऑर्डर सर्किट। ओके, हायर ऑर्डर सर्किट, तो हायर ऑर्डर सर्किट का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस हम लोग करेंगे, वो आएगा मेरा मॉड्यूल 9 में। ओके, तो मॉड्यूल, इसको हम देंगे मॉड्यूल 9, क्लियर। तो मॉड्यूल 9 के बाद हम लोग का आएगा मैथमेटिकल मॉडल। ओके, तो दिस इज माय 10, दैट इज माय मैथमेटिकल मॉडल। तो इसको हम लोग खत्म करेंगे दैट इज माय मॉड्यूल 10। ओके, तो दिस इज माय मॉड्यूल 10। ओके, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज माय मॉड्यूल 10। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पूरा कंट्रोल सिस्टम को हम लोग मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 10 में ख़त्म करेंगे पूरा। उस ये मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 10 ख़त्म करने के लिए हमको चाहिए 60 से लेके 80 आवर, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 9 तक इसी इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल, इन तीनों ब्रांच के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है। सो मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 9, दैट इज फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ हायर ऑर्डर सर्किट। ओके, लेकिन जो मॉड्यूल 10 है मेरा,
मैथमेटिकल मॉडल ये सिर्फ और सिर्फ मेरा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, तो मैथमेटिकल मॉडल जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, क्लियर। इसी और इंस्ट्रूमेंटेशन में ये मैथमेटिकल मॉडल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सिलेबस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम फॉर गेट 2023 एंड 2024। तो इसको हम लोग मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 10 में ख़त्म करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो कंट्रोल सिस्टम का पूरा सिलेबस डिस्कशन किए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1, दैट इज माय बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओके। तो वहाँ पे हम लोग कंट्रोल सिस्टम क्या है देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, देन कंट्रोलर क्या है, सिस्टम क्या है, कितना टाइप का हमारा कंट्रोल सिस्टम है, उसका रियल टाइम एग्जाम्पल हम लोग डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्लियर। सो तब तक के लिए थैंक यू।